नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटी ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़ एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़ एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। और होटल निकाय चुनाव के मतदान के लिए महज 5 दिन शेष हैं। बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरण का कार्य अंतिम चरण में है। इस बार शहर के मातवरगंज वार्ड में निवास करने वाले सपा विधायक आलमबदी आजमी का नाम मतदाता सूची से गायब है, जबकि उनके परिजनों के नाम सूची में अंकित हैं। शुक्रवार को निकाय चुनाव में सभासद पद के लिए चुनावी समर में उतरे प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं के बारे में जानने के लिए मतदाता सूची को खंगाला गया तो सपा के वरिष्ठ नेता व निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सपा विधायक आलमबदी आजमी का नाम गायब देख उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। परिवार के मुखिया और जनप्रतिनिधि का नाम गायब देख परिवार के लोग हैरान रह गए। सपा विधायक का कहना है कि यह मानवीय भूल है, परिवार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार कोई बीएलओ भी नजर नहीं आया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके बाद इस तरह के मामले की प्रशासन निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार हमें याद है कि राष्ट्रपति भी वोट नहीं दे सके तो हम तो एक विधायक हैं। वहीं एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि इस मामले का उन्होंने परीक्षण कराया है, उनका नाम पहले ही इस मतदाता सूची में नहीं था और दर्ज करने के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं आया था, इसलिए उनका नाम नगर पालिका आजमगढ़ की सूची में दर्ज नहीं है। विधायक सगड़ी तहसील के बिंदवल के मूल निवासी हैं, वहां के ग्राम पंचायत में उनका नाम दर्ज है। गोपालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर में भी उनका नाम दर्ज है, इसलिए नगर पालिका में उनका नाम दर्ज होने का सवाल ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी ये कहा जाएगा कि इंसानी गलती है। हाँ, और गलती तो ये भी कहा जाएगा कि परिवार वालों को भी तो इलेक्शन से पहले चेक करना चाहिए होटल लिस्टों पे। अब की बार कोई बीएलओ नहीं दिखाई दिया, अब की बार कोई इलेक्शन का हंगामा ही नहीं था कि याद पड़ता कि दाता देख लें कि मैं चेक करा लेता हूँ, लेकिन अब की बार कोई इस तरह का मामले ही नहीं था, अखबारों में भी खबरें नहीं थी। हाँ, तो यही कहा जाएगा भाई इंसानी गलती है। आप तो विधायक हैं तो इसकी शिकायत क्या डीएम से करेंगे? अब वो मैं उसके लिए किसको इल्जाम दूंगा बोलो। हाँ, जिले का अधिकारी तो जिला अधिकारी होता है। जिन लोग अब वो मेरा नाम कट गया, मैं विधायक हूँ तो विधायक कोई बड़ी अलग चीज तो है नहीं, जनता मैंने जाने कितनों का नाम कट गया होगा। हाँ, मैं सबकी तरफ से दुख प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रशासन जो है इन मामलात पर आइंदा निगरानी करेगा। तो आप कैसे वोट देंगे नगर पालिका चुनाव में? आप कैसे वोट देंगे नगर पालिका चुनाव में? अब जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं दे सके थे। हमें याद है एक बार राष्ट्रपति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। हाँ, तो हम तो सिर्फ विधायक हैं। हाँ, और नहीं डाल पाएंगे, मजबूरी है। हाँ, अपनी कोई ख्वाहिश तो उसमें थी नहीं कि हम वोट न डालें। हैं, अब मजबूरी आ गई है तो नहीं दे पाएंगे। इसके लिए दोषी कौन है फिर? अरे ये तो आप लोग आ गए तो मुझे पता भी लग गया, नहीं तो जब मैं वहाँ जाता वोट डालने तो पता लगता कि आपका नाम नहीं है। तो दोषी कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई नहीं, इंसानी गलती है। बीएलओ को नहीं मानते हैं गलती? नहीं, गलती ही नहीं, ये गलती है, इंसान से गलती हो जाती है। जब राष्ट्रपति का नाम एक बार नहीं रहा है तो हम तो विधायक हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमने अभिलेखों का परीक्षण कराया है, उनका नाम यहाँ पर दर्ज ही नहीं था पहले से, और दर्ज करने के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं आई है, इसलिए उनका नाम जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दर्ज नहीं है। उनका नाम माननीय विधायक जी ग्राम बिंदवल तहसील सगड़ी के निवासी हैं, वहाँ के ग्राम पंचायत में उनका नाम दर्ज है। ये ग्राम पंचायत की लिस्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि वो माननीय विधायक जी का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर में भी दर्ज है, और गोपालपुर विधानसभा में
भाग संख्या 292 में क्रमांक 290 पर उनका नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत में मकान नंबर 111 के अंतर्गत ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 3 के बिंदवल के 692 क्रमांक पर उनका नाम दर्ज है। क्योंकि उनका नाम ग्राम पंचायत में और दूसरी तहसील में दर्ज है, इसलिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में दर्ज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहना गलत है कि उनका नाम यहाँ से काट दिया गया। आजमगढ़ में आए प्रभारी मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। हालांकि दीवानी बाग सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जब प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही सूबे के विकास पर प्रकाश डाल रहे थे, उस समय घंटों बिजली गुल रही और सभी लोग भीषण उमस भरी गर्मी में परेशान रहे। खुद प्रभारी मंत्री भी अपने संबोधन के दौरान पसीने से तरबतर हो गए। वहीं मीडिया से बिजली गुल होने के सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए गए मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप पर कहा कि खुद चुनाव आयोग ने माना है कि केवल एक बूथ पर तकनीकी गड़बड़ी के अलावा सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ है। अखिलेश यादव जी को कहीं कोई दिक्कत है तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को सौंपे, आयोग इसकी जाँच करेगा। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोग वोट देने नहीं जाते, यह चिंता का विषय है। अपने अधिकारों के लिए मतदान का उपयोग करना चाहिए। अगर आप हमारी नीतियों के विरोध में हैं तो विरोध में वोट डालिए, पक्ष में हैं तो पक्ष में डालिए, लेकिन वोट का बहिष्कार न करें। घर बैठकर मीमांसा लोग करते हैं, लोग मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं। आने वाले चुनाव में लोगों से उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। देखिए आज जो है क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमारे वकील संपर्क के लोग होते हैं, मैं अपने उन भाइयों से आज बात करने के लिए आया हूं। मूलतः मैं भी वकालत किया हूं, 5 साल हमने एक्टिव प्रैक्टिस की है और इसलिए अपनी बात अपने अधिवक्ता भाइयों के बीच में रखना मैंने वाजिब समझा और इसलिए आजमगढ़ के इन विद्वान अधिवक्ताओं से मैंने संवाद किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनका पूरा समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल आजमगढ़ में खिलेगा, इसका उन्होंने आश्वस्त मुझे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले चरण में काफी कम परसेंटेज मतदान हुआ है, क्या देखते हैं? इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि मतदान अभी हमारे एक अधिवक्ता मित्र ने बोला था कि मैं इस समस्या को लेकर के और मतदान से वॉकआउट करूंगा। मतदान तो वो है कि अपने मत को दे करके हम उस ऐसा एक यह महत्वपूर्ण हथियार है जिसके माध्यम से हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतदान का बहिष्कार कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं है, मतदान के माध्यम से ही समाधान उसका है। आप मेरे नीतियों से सहमत नहीं हैं, आप मेरे खिलाफ वोट डालिए, आप सहमत हैं मेरे पक्ष में वोट डालिए और यदि मेरे पास उत्तरदायित्व है तो आपने जो समस्याएँ रखी है वैधानिक तरीके से समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है और जो उन्होंने बात रखी है आज आचार संहिता है उसमें आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता। आचार संहिता करने के बाद हमारी सरकार हम उसको गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा अनुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जहाँ गड़बड़ी हुई है उसका वो लिस्ट दे दें, इलेक्शन कमीशन जांच करेगी। अनर्गल आरोप लगाए जाने का में कोई तथ्य नहीं है, जो मीडिया के भीतर आया है कोई गंभीर तथ्य उन्होंने नहीं दिया है। इलेक्शन आयोग ने कहा है कि एक बूथ को छोड़ करके और वो भी तकनीकी कारणों से पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से मतदान हुआ है। सिर्फ लोगों को जो शहरों के भीतर बैठ करके मीमांसा हमारे जैसे लोग करते हैं और मतदान करने नहीं जाते, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मीमांसा जो आप करते हैं उसका परिणाम मतदान के माध्यम से ही संभव हो सकता है और इसलिए आप पूरी ताकत के साथ मतदान करिए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। अब बाद में आगे आगे अब आगे अभी अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब आगे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद के संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने निजामाबाद और फूलपुर तहसील के स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मतगणना व स्ट्रांग रूम केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। डीएम ने राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय निजामाबाद शिक्षा क्षेत्र रानी की सराय में
5 बूथों का स्थिर निरीक्षण किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय सरायमीर शिक्षा क्षेत्र के मिर्जापुर प्राथमिक विद्यालय सरायमीर शिक्षा क्षेत्र के 3 बूथ, आदर्श नगर पंचायत फूलपुर आजमगढ़ के 4 बूथ, कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय फूलपुर टाउन पिंक बूथ तथा 4 बूथ और प्राथमिक विद्यालय माहौल शिक्षा क्षेत्र अहरौला आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने योग्य स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी कमरों में समुचित लाइट की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु ट्राई साइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए। कहा कि स्कूलों की टूटी फूटी बाउंड्री वाल एवं खिड़कियों की जाली को चेक कर ले, सही करा लिया जाए। कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। डीएम ने कहा कि संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतगणना में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैरिकेटिंग एवं जाली आदि लगाकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ ही विभिन्न पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण डीएम द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी निर्णायक की भूमिका में होगी। इस बार जिस ओर आधी आबादी का रुख होगा, शहर की सरकार उसी की बनेगी। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी जगह जगह पिंक बूथ बनाए हैं। निकाय चुनाव के रण में उतरे सुरमा भी इस बात को भली भांति जानते हैं और समझते हैं, लिहाजा वोट के खातिर घर घर जाकर वे महिलाओं से मिल रहे हैं, आशीर्वाद लेने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में कहना ना होगा कि सभी प्रत्याशियों की आधी आबादी के वोटों पर नजर है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि निकाय चुनाव में बिना आधी आबादी के वोट मिले जीत का सेहरा बंधना मुश्किल है। ऐसे में आधी आबादी की नजर किस पर और किस तरह के प्रत्याशी पर है, यह जानने के लिए एबीसी न्यूज ने शुक्रवार को कई महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान नगर की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण व पार्क सहित विभिन्न मुद्दों को सामने रखते हुए उन्होंने यही कहा कि जो इन समस्याओं को दूर करेगा उसका वोट उन्हें ही मिलेगा। मुझे जो कमियां दिखाई पड़ रही है, सबसे पहले तो कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। गली मोहल्ले में इतना ज़्यादा कूड़े का जमवाड़ा है जिसको प्रॉपर निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर्स पे या तो एक बड़े कंटेनर्स रखे जाएं जिसमें हम लोग अपने कूड़े डाल सके, घर की जो भी लोग हैं वो अपने कूड़े डाल सके, या तो कई शहरों में बेल सिस्टम है कि डोर टू डोर लोग जाते हैं, एक हम लोग करते हैं मतलब ये लोग करते हैं, तो उससे डोर टू डोर वो कूड़े को कलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कूड़े का निस्तारण। सेकेंडली थोड़ा सा यहाँ पर मैंने देखा है कि मॉस्किटोज़ मतलब कुछ मॉस्किटोज़ इतने ज़्यादा हैं कि डेंगू मलेरिया जैसे फीवर्स बहुत जल्दी आजमगढ़ के लोगों में फैलता है, तो अगर मॉस्किटो रेपेलेंट फॉगिंग हर महीने एक या दो बार स्टार्ट हो जाए तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्क या पार्क के नाम पर 1 या 2 पार्क है, वो भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड पार्क हैं, तो उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाए जिससे कि बच्चे खासकर बहुत बोर होते हैं घर पे, तो वो जा कर के खेल पाएँ, या बूढ़े या हम लोग भी कभी जाना चाहें तो पार्क में जा पाएँ और बैठ पाएँ थोड़ी देर। और फोर्थ पॉइंट मुझे यहाँ पर मुझे लगा कि रोड्स की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे के कारण जब भी पानी बरसता है बरसात के समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं यही चाहूँगी जो भी अध्यक्ष बने नगर पालिका का वो इन सारे पहलू पर ध्यान दें, क्योंकि फंड्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं पर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। प्रत्याशी कैसे होने चाहिए? प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए, जो जितना भी फंड्स हमें सरकार तो बहुत ज़्यादा फंड्स देती है उसको प्रॉपरली यूज़ भी करे जनता के लिए, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाता है। वो सारा हमारा ही पैसा जो होता है, जो हम लोग इतना टैक्स भरते हैं लेकिन हमें ना तो प्रॉपर यहाँ पर सड़कें मिलती हैं, ना तो हरियाली, ना तो पार्क है यहाँ पर, और कूड़े का तो जमवाड़ा ही है यहाँ पर। मैनहोल्स मैंने कई जगह पर देखे हैं कि मैनहोल्स, मैं आपको बताऊँ ज्योति निकेतन स्कूल में जाती हूँ वहाँ पर डेली मैं देखती हूँ कि मैनहोल्स ढके हुए नहीं हुए, तो कितना प्रॉब्लम होता है गाड़ी निकालने में, या तो जब स्कूल छूटते बच्चे उसके अंदर घुस जाएं, गिर जाएं,
आप ज्योति जा करके देखिए, वहाँ पर बड़े बड़े मैन होल्स हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, जिसका मतलब ये है कि आए दिन मैं देखती हूँ वहाँ पर कोई या तो स्कूटर अंदर चला जाता है या तो कार फंस जाती है। मतलब बहुत ही दुर्दशा है यहाँ पर कि नालियाँ प्रॉपर तरीके से ढकी भी हुई नहीं है, मैन होल्स में इतने ज़्यादा एक्सीडेंटल, छोटे बच्चे हों या हम ही लोग हों या कोई भी हो, वो जाके गिर सकता है उसके अंदर। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैन होल्स बिल्कुल ढके हुए नहीं हैं, नालियाँ बिल्कुल खुली हुई हैं, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारा पैसा, इस जनता का पैसा जनता के ऊपर यूज़ करने वाला अध्यक्ष हमें चाहिए। यहाँ का रोड बहुत बेकार है। यहाँ पे जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ तक नहीं जा पाती, हम लोग को रिक्शे बाइक ऐसे जाना पड़ता है। बारिश होती है तो सारे रोड्स पे पानी इकट्ठे हो जाते हैं, कूड़े इधर उधर फैले रहते हैं। यहाँ कोई पार्क नहीं है कि बच्चों को हम लोग खिला सकें, हम लोग को बच्चों को लेकर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो इन सब मामलों, इन सारी परेशानियों को समझ सके, कि जो ये सब जब तक वो खुद ज़मीन से नहीं जुड़ा रहेगा वो ये सब परेशानियाँ समझ ही नहीं पाएगा। वो जाए जनता से मिले, उनकी परेशानियों को समझे, तभी वो कुछ करा सकता है। पार्टी बेस से और जनप्रतिनिधि का आप लोगों का करिए नहीं, हम लोग का मेन मुद्दा है विकास, जो विकास करेगा हम उसे ही वोट करेंगे। तमाम राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति अपने मूलभूत उद्देश्यों से भटक गई है और आज राजनीति जो हो रही है वह मुद्दों पर आधारित न होकर के धर्म, जाति और समाज के आधार पर हो गई है, जिसके कारण हमारे नेताओं का निरंतर जो है वो चारित्रिक एक तरह से पतन होता जा रहा है। और आज होना यह चाहिए कि जो भी प्रत्याशी खड़ा हो वह मुद्दों पर आधारित राजनीति करे, न कि धर्म, जाति और समाज के नाम पर राजनीति करे, क्योंकि आज के राजनेता जो हैं वह देश प्रेमी न होकर के सत्ता प्रेमी हो गए हैं। क्या कारण है कि आज गांधी, नेहरू और पटेल जैसे ऊंचे कद के नेता नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो मूल उद्देश्य था वो देश के लिए था, उनका समर्पण देश के प्रति था। लेकिन आज के नेताओं का अब क्या है, आज सपा की सरकार है तो वो सपा के साथ हैं, भाजपा की सरकार आ गई भाजपा के साथ आ गए, कहीं कल खुदा न खास्ता कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो धुर विरोधी थे कांग्रेस के वो कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। तो इस तरह से राजनीति जो है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इतनी छिछली नहीं होनी चाहिए। आदमी का, व्यक्ति का पहला जो है समर्पण वह देश के प्रति होना चाहिए, समाज के प्रति होना चाहिए और मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। आज जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जिस तरह से अगर आप वर्तमान में नगर पालिका परिषद का चुनाव ले लें तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी बरसता है तो सारी पोल जो है खुल जाती है, पूरे रास्ते भर जाते हैं, गलियां भर जाती हैं। अभी एक हादसा यहाँ पर हो गया कि एक दूध वाला आया था और तार टूट करके गिर गया, हाई टेंशन तार, और तुरंत उसको करंट लग गया, डेथ हो गई उसकी। तो इस तरह की समस्याएं जो है नहीं होनी चाहिए। जो हमारे सभासद होते हैं या जो भी नगर पालिका के चेयरमैन होते हैं, थोड़ा सा गली मोहल्लों में जा करके उनको वर्तमान स्थिति का जायज़ा भी लेना चाहिए, कहाँ नालियाँ छिछली हैं, कहाँ और गहरी होनी चाहिए, बज बजाते हुए कूड़े के ढेर, तो इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। समस्या क्या है, इस समस्या के लिए क्या आप लोग को परेशान है? देखिए, समस्याएं हर गली मोहल्लों में मोर और लेस सेम है, है ना, हर जगह वही है कि पैसा मिलता तो है, प्रशासन से पैसा ज़रूर मिलता होगा, लेकिन अब जो है कि जो टिकट लेता है या जो कुछ भी प्रत्याशी होता है तो वह उन पैसों का उपयोग नहीं करता है, वह उनका उपयोग जनता के फायदे के लिए न करके खुद के फायदे के लिए करता है। नतीजा आज यही है कि वही ढाक के तीन पात, नालियां उसी तरह से हैं, सड़कें उसी तरह से हैं। सड़कों पे तो मान लीजिए कुछ काम हो रहा है लेकिन नालियाँ, कूड़े और जो तमाम बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वह सेम हैं, वह समाप्त नहीं हो रहे। देखिए, यहाँ पर जो हमारे मड़िया वार्ड में जहाँ पर मैं वोटर हूँ वहाँ पर मैं केवल विकास के मुद्दे पर वोट दूंगी। यहाँ हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, कोई जाति मायने नहीं रखती, कोई धर्म मायने नहीं रखता है, जो भी विकास का कार्य करेगा उसको मत दिया जाएगा। करके जब हम लोग बाहर जाते हैं किसी भी काम के लिए तो हमें हमेशा जाम में फंसना पड़ता है या रोड ही ख़राब होते हैं, तो हमें अक्सर करके पैदल ही जाना पड़ता है या रिक्शा करके जाना पड़ता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि रोड का विकास हो और पार्किंग का विकास हो, फिर उसके बाद अगर रोड पे कूड़े वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, साफ़ सफाई उसका भी हो,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो विकास करें इन सब मामलों में, या बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क नहीं है, बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर नहीं पाते हैं, तो उस वजह से हम चाहते हैं कि जो इन सब मामलों में ही विकास करें, और भी बहुत सारे काम है, कार्य हैं, तो उन पर हम जाएंगे, उनका उनसे उनको बोल देंगे। प्रत्याशी भाई हमारे इसी हमारा मुद्दा उनका भी मुद्दा, तो इस वजह से हम ऐसे ही मुद्दे वाले प्रत्याशी को ही वोट अपना देना चाहेंगे। नगर निकाय चुनाव में प्रचार अभियान ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। सभी प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क कर समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम मंसूर का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। शुक्रवार को सपा प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रोडवेज, सिविल लाइन, बवाली मोड़, कांसीराम आवास और रायदुपुर क्षेत्र में मतदाताओं तक पहुंचकर सरफराज आलम के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है, आज बहुत ही तेज धूप है, बावजूद इसके लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट की कहीं कोई कमी नहीं है, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, इस चुनाव को हमने मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बाकी सभी प्रत्याशी ढोल ताशे हैं। आजमगढ़ बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसकी सूरत को पिछले 10 साल से नगरपालिका अध्यक्ष पर बैठे लोगों ने बस सूरत बना दिया है, इतना खराब कर दिया है कि कहने में शर्म आती है। मैं नगर पालिका वासियों से वादा करता हूं कि हमें चेयरमैन बनाइए, आपके शहर को हम बहुत ही खूबसूरत बना कर देंगे, नगर वासियों की सोच से बेहतर बना कर देंगे। समाजवादी पार्टी नगर में कभी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीती है। इस सवाल के जवाब में सपा प्रत्याशी ने कहा कि हमें समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है, इस बार सपा जीत जरूर दर्ज करेगी। कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव बीमारी के बावजूद प्रचार में लगे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, तो हमारे तरफ से जल्द ही वरिष्ठ नेता जनपद में आएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ के संबंध में दिए गए बयान पर सपा प्रत्याशी ने कहा कि जिले को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सपा प्रत्याशी ने कहा कि मुझे ईस्ट एशिया प्रोविंस के 12 देशों में रहने का अनुभव है, मैं क्रिकेटर भी रहा हूं, मेरे शहर में 10 सालों से किसी ने कोई काम नहीं किया है, बर्बाद कर दिया गया है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस शहर को ऐसा बनाऊंगा कि लोग गर्व से कहेंगे हम आजमगढ़वासी हैं और मेरा अध्यक्ष सरफराज आलम है, आजमगढ़ की तर्ज पर अन्य शहर बनाने का वायदा किया जाएगा। देखिए नमस्ते, मैं सरफराज आलम आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्षी पद का प्रत्याशी। रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं कि बड़ी शिद्दत की धूप है, मैं बहुत अभी बिल्कुल थका हारा कोशिश कर रहा था कि बैठ जाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मोहब्बत मिल रही है कि वो आप फिर धूप छाँव का कोई मतलब नहीं, इससे आप अंदाज़ा शायद लगा सकें। फिलहाल मुझे यही एक एग्जाम्पल आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, सपोर्ट की कहीं कोई कमी नहीं है, किसी वर्ग के नहीं, सभी लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, और इसी वजह से मैं शायद अब इस चुनाव को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाके, लोगों के कहना है कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम में मंसूर आलम का चुनाव समाजवादी पार्टी साइकिल निशान पे आकर खड़ा हुआ है, तो कुछ कहना ही नहीं बाकी, आप लोगों के नज़र के सामने मंजर आम पर हमारा चुनाव है, नतीजे फिर 11 तारीख के बाद आप देखेंगे कि सामने आ जाएंगे, फिर सभी लोगों के पास रिजल्ट होंगे, ज्यादा कुछ कहने कोई गुंजाइश नहीं। लड़ाई किससे मान रहे हैं, त्रिकोणी लड़ाई मानी जा रही है आपके बीच में कमल का फूल और एक निर्दल प्रत्याशी? नहीं, त्रिकोणी नहीं है, लड़ाई हमारी बीजेपी से ही होगी। बीजेपी से? हाँ, हमारी लड़ाई में कहीं कोई नहीं है, हम हैं बीजेपी है, बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, सब ढोलता से ही सही है, कोई मतलब। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हाँ, उनके तरह तरह के आरोप थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास नहीं आजमगढ़ का होता था, विकास हमने किया, कट्टा से कलम हमने पकड़ा है। देखें, वो बहुत बड़ा कद है और मेरी ज़बान शायद बहुत मुख्तसर है कि मैं कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ बोलूं या उनके अगेंस्ट कुछ बात करूं, ये नहीं, मेरा मतलब जो है ना, या मेरी नगर पालिका से मेरा ताल्लुक़ है सिर्फ विकास, मुझे मेरे शहर की हालात, नगर पालिका बहुत खूबसूरत चाहिए,
वो नगर पालिका जिसमें मेरे आपके बच्चे जिस पालिका के अंदर आबो फ़ज़ा में रहते हैं, वो आबो फ़ज़ा मुझे बहुत ही साफ़ चाहिए। मुझे मेरा शहर बहुत खूबसूरत चाहिए। आज़मगढ़ बड़ा अजीम शहर है, बड़ी अजीम इसकी तारीख है। आज़मगढ़ का शहरी दुनिया के शायद ही कोई ऐसे मुकाम हो तो कोई ऐसा मुकाम ना जिस मुकाम पे शहर ना जाना जाता हो, लेकिन उसकी सूरत को नगर पालिका के ज़िम्मेदार जिन लोगों को भी जनता ने चुन के बिठाया था, उसकी शक्ल और सूरत को इतना बदतरीन कर दिया है कि कहने सोचने में बड़ा अफसोस होता, बड़ी शर्म आती है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को जिनको आज़मगढ़ की गलियों से, आज़मगढ़ के लोगों की ज़िंदगी उनकी बेहतरी से जिनको मोहब्बत है, यानी मुझे है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। और क्या वजह हो सकती है मुझे यहाँ चुनाव में? आप मौका दें, मैं आज़मगढ़ के तमाम नगर पालिका वासियों को मैं अपनी ज़बान देता हूँ, आँख में आँख मिला के ये बात कहता हूँ, आप साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन वोट लगा के आप हमें चेयरमैन बनाइए। आपसे हम वादा करते हैं, आपको ज़बान देते हैं, आपके शहर को हम बहुत खूबसूरत बना देंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। ये ज़बान हमारी है, आप भरोसा रखें। समाजवादी पार्टी कभी नगर पालिका नहीं जीती, हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ आज़मगढ़ माना जाता है। हाँ, तो क्या कमियाँ रहीं जो इसको दूर करके आप आगे बढ़ रहे हैं? देखें, पूरे शहर के सपोर्ट, सभी लोगों का साथ लेके इस बार समाजवादी पार्टी, आप देखेंगे कि हमारे वरिष्ठगण तमाम नेता, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी, आप देखेंगे वो बीमार भी, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसी धूप में इसी कहीं सी गली में वो बेचारे चल रहे होंगे। ये कोशिश आई है, उनको लगा है कि ये चीज़ मुमकिन, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। जहाँ से भी कोशिश की जाए वहाँ से सवेरा है, वहाँ से हासिलात होंगे और होंगे बिल्कुल। हमने कोशिश की, बहुत अच्छे से कोशिश की, हमारे पार्टी के सभी ज़िम्मेदार लोगों ने कोशिश की है। इसकी वजह से हमको पूरे शहर के, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, अभी हमारे सिख भाई साहब यहाँ थे, मुझे गाड़ी से जबरी रुकवा के मुझसे मुलाकात करके गए कि हौसला ना हारना, पूरा शहर तुम्हारे साथ है, तुम चेयरमैन बनोगे, तुम पे हमें विश्वास है, तुम ही हमारी नगर पालिका को खूबसूरत बनाओगे, तुम पे हमें विश्वास है। तो ये सब चीज़ें हमको प्रेरित करती हैं कि हम और मेहनत करें। पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, मंत्री भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, रोज कोई ना कोई मंत्री आ रहा है। आपकी तरफ से कौन आ रहा है जो चुनावी कमान को और रफ्तार पकड़ाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे शहर ने उनका स्वागत भी किया होगा। कुछ चीज़ें वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी है कि आज़मगढ़ को बदनाम करने का। आज़मगढ़ हमेशा बड़ा सोबर, ये बड़े बड़े एलिट लोगों की, बड़े आइडियल लोगों का ये शहर रहा है। सिर्फ एक दो चार चीज़ों को गिना देना ये मुनासिब बात नहीं है। आज़मगढ़ की ये बेइज्जती है ना, ये बेइज्जती है। अखिलेश जी आ रहे हैं, शिवपाल जी को, अखिलेश जी को ज़रूरत समझी जाएगी, बिल्कुल आएंगे। मुझे लगता है कि आज़मगढ़ मानता है कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं, पूरा शहर ये मानता है, ज़रूरत समझेंगे बिल्कुल। एक आवाज़ देंगे, आज़मगढ़ का शहरी एक आवाज़ देगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी आपके कदमों से कदमों मिला के आपको इसी राहों पे चलते हुए नज़र आएंगे, अगर ज़रूरत होगी बिल्कुल बुला दिया जाएगा। आपका सपना क्या है, किस तरह का शहर बनाना? शहर, आपने अब देखिए काम की बात कही है, ये शहर मेरी ज़िंदगी से, जो माजी में मैंने ज़िंदगी जी है, ये मेरा भाई खड़ा है, बहुत करीब से मुझे जानता है, ये सभी लोग जानते हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारी इनके साथ। मुझे तमाम दुनिया के, ईस्ट एशिया प्रोविंस के लगभग 12 कंट्रियों का मुझे एक्सपीरियंस रहा है, और मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। मुझे ये मेरा शहर जो 10 सालों से बिल्कुल किसी ने कोई हिफाजत, इसकी कोई सफाई, कोई काम नहीं किया, बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मौका दीजिए, मैं इस शहर को इंशाल्लाह ऐसा बनाऊँगा कि लोग बड़े गर्व से कहेंगे, आना कभी आज़मगढ़, हम तुम्हें चेयरमैन दिखाएंगे जिसका नाम मंसूर आलम, सरफराज आलम है, वो हमारे तर्क पे अपने शहरों को बनाने का काम करेंगे, ऐसा शहर बना के दिखाएंगे आपको। मजदूर हत्याकांड में शुक्रवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गया, जबकि पुलिस ने विवेचना के दौरान इस गवाह के बयान को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी पर मजदूर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। अदालत को दिए गए बयान में गवाह दुर्गा प्रताप सिंह ने कहा कि उसने पुलिस को इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, न ही वह घटना से जुड़े किसी को जानता है। तब अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी गोपाल पांडे ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया तथा अदालत से कहा कि लगता है कि गवाह डर या लालच के कारण अपने दिए गए बयान से मुकर रहा है। एडीजीसी के इस ऐतराज पर अदालत ने भी गवाह से इस संबंध में पूछताछ की। गवाह ने अदालत को भी बताया
कि उसे किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, ना ही लालच है, वह अपनी मर्जी से यह बयान अदालत को दे रहा है। इस गवाही के बाद अदालत ने मुकदमे में 16 मई की तारीख नियत कर दी है। पुलिस ने इस मुकदमे में भेजी चार्जशीट में कुल 18 लोगों को गवाह बनाया है। शुक्रवार को ही गैंगस्टर मुकदमे में FIR लेखक हेड मुहर्रर ओम प्रकाश यादव का बयान दर्ज कराया गया। बयान दर्ज होने के बाद आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता ललन सिंह ने गवाह हेड मुहर्रर ओम प्रकाश यादव से जिरह किया। अदालत ने इस मुकदमे में 17 मई की तारीख नियत कर दी है। निकाय चुनाव के प्रथम चरण बीत जाने के बाद प्रत्याशियों का जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में निर्दल प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा उर्फ गुट्टू सेठ सपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को वार्ड हरवंशपुर में व्यापार मंडल एवं स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों व अपने समर्थकों के साथ अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं दोपहर बाद से सिधारी हाइड्री चौराहा पहाड़पुर अटलस पोखरा शंकर जी की मूर्ति पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के दौरान संगठन के पदाधिकारी व व्यापारियों ने कहा कि संगठन के जुझारू प्रत्याशी हैं एवं नगर का पूर्ण विकास कर स्वच्छ आजमगढ़ स्वस्थ आजमगढ़ बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि नगर की समस्याओं को लेकर संघर्ष व आंदोलन किया हूं। व्यापारी बंधुओं एवं आम जनमानस के साथ हुए शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज मुखर किया हूं। राजनीति मेरे लिए सिर्फ सेवा भाव है। मैं हमेशा नगर सेवक के रूप में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मतदान को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। विपक्षी चुनाव के माहौल को कुछ और रूप देना चाहेंगे। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देकर विरोधियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि आजमगढ़ ऋषियों मुनियों तपस्वी साहित्यकारों की धरती है। यहां पंडित राहुल संस्कृत्यायन अल्लामा शिबली नोमानी जैसे महान शिक्षाविद ने जन्म लिया है। उनके धरोहर को बचाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहूंगा। उसका भी हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से सहयोग करने का काम करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज का काम हो, चाहे वो कोतवाली काम हो, चाहे वो अधिकारी के काम हो, व्यापार मंडल उसको ईमानदारी से करने काम करता है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों चाहे गौतम बुद्ध। जी हाँ, इसी बात को मन मस्तिष्क में धारण करते हुए लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास पूर्वक मनाई। हरबंसपुर क्षेत्र के त्रिशरण बुद्ध विहार में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ भगवान बुद्ध का 2586वां जन्मोत्सव समारोह त्रिविध पावनी बुद्ध जयंती समारोह के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात भिक्षुओं के सानिध्य में बुद्ध वंदना हुई। बुद्ध विहार में त्रिशरण एवं पंचशील के पाठ को ग्रहण किया गया। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान धम्म प्रचारकों की ओर से धम्म देशना दी गई। गौरतलब है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ये दिन बेहद ही पावन है। भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी थी, तो वहीं हिंदू धर्म के लोग उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बार ये पावन दिन 5 मई को कई दुर्लभ संयोगों के बीच पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो भी महात्मा बुद्ध को सच्चे मन से याद करता है और उनका वंदन करता है, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के दौरान जगधारी बौद्ध ने कहा कि मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की जयंती समूचे विश्व में मनाई जा रही है। आज पूरा संसार बुद्धमय होता चला जा रहा है। बिना बुद्ध के कल्याण नहीं होने वाला है, दुख का निवारण नहीं होने वाला है। धार पर आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बुद्ध जयंती आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का की आज यह जयंती है। पूरे विश्व में बुद्ध जयंती की महत्ता है, जिसके वजह से आज पूरा संसार बुद्धमय होता जा रहा है। बिना बुद्ध के काम चलने वाला नहीं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? आज के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आज ही के दिन पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। इस तरह से ये तीन दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी इसमें विशेषता यह है कि वह तीनों दिन पूर्णिमा का दिन था, और सबसे बड़ी विशेषता यह है गौतम बुद्ध की कि उन्होंने जो है कभी भी इतना बड़ा राजा होते हुए भी उन्होंने संसार के दुख के निवारण के लिए गृह त्याग किया। राजा का बेटा होते हुए गृह त्याग किया और उन्होंने खोजा क्या सत्य है, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण उन्होंने बताया अविद्या। अविद्या माने उनका ये कहना है कि अविद्या माने जो है आदमी को कुशल अकुशल का ज्ञान होना चाहिए, साक्षर नहीं। अविद्या से उनका मतलब साक्षर नहीं, अविद्या से उनका मतलब है कि व्यक्ति को ये जो है अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाना, परिस्थितियों को पहचानना, ये अविद्या है। और हमारे सारे लोग जो है इस तरह से जो दुखित हैं, संसार जो दुखित है अविद्या के कारण ही दुखित है, और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपना सारा सब कुछ वो नाश कर रहा है। जिले के आरवा थाना क्षेत्र के शमशादाबाद गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने राक्षसी पक्षी मोर को घायल अवस्था में देखा और पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल पक्षी को लेकर थाने पहुंची और वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन विभाग की टीम घायल पक्षी को लेकर पशु चिकित्सा केंद्र पहुंची, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायल मोर को जिला मुख्यालय स्थित जिला पशु चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि अरौला ब्लॉक के शमशादाबाद गांव में गुरुवार को ग्रामीणों को घायल अवस्था में पड़ा हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मोर को थाने लेकर गई और वहां वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग के एरिया इंचार्ज अपनी टीम के साथ अरौला थाने पहुंचे। पुलिस ने घायल राष्ट्रीय पक्षी को उन्हें सौंप दिया। वन विभाग की टीम घायल मोर को लेकर पशु चिकित्सालय अरौला ले गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला मुख्यालय स्थित जिला पशु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पशु चिकित्सालय अरौला के चिकित्सक रामस्वरूप चौहान ने बताया कि घायल राष्ट्रीय मोर को लाया गया, जिसके गर्दन पर गंभीर चोट है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे सिधारी क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय क्षेत्र के पॉलिटेक्निक जिला पशु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारे पास घायल अवस्था में आया है, जिसके गर्दन पे गंभीर चोट दिख रहा है, वो गर्दन उठा नहीं पा रहा है, जिसका हमने प्रारंभिक ट्रीटमेंट कर दिया है अपनी तरफ से, और इसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम इसे पॉलीक्लिनिक सिधारी पर रेफर कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति उसकी क्या दिखने से लग रही है? फिलहाल जैसे हमने ट्रीटमेंट किया उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, बट जब आप पॉलीक्लिनिक पे जाएंगे वहाँ के डॉक्टर से दिखाएंगे तो उनका कुछ और बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट Our branch, Kids Paradise, Fun of Learning Playgroup, section of Paradise International School, 200 plus design activity, kids and play zone for Kids Paradise, Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well-qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft,
ड्राइंग, म्यूजिक, डांस क्लासेस, सेपरेट कंपोजिट लेबोरेटरीज, सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, फ्री हेल्थ चेकअप इन सर्वोदय हॉस्पिटल, विद्यापीठ स्कूल सेंटर, PW स्कूल, इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर IIT JNEET। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेरिम सेंडिम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद CCTV कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।